साल 2023 ने एक ऐसा सिनेमैटिक क्लैश देखा है जो किसी और साल से अलग था। ब्लॉकबस्टर टीजर्स और ट्रेलर्स ने लार्जर देन लाइफ एक्शन ड्रामा एंटरटेनमेंट का वादा किया। इनमें से एक सबसे खतरनाक और एक्शन से भरपूर टीजर प्रभास स्टारर सलार पार्ट 1 सीज़ फायर का साबित हुआ और इस साल के सबसे इम्प्रेसिव टीजर के तौर पर एक अमिट छाप छोड़ने में कामयाब रहा। बता दें सलार पार्ट 1 सीज़ फायर के टीजर में जिस अनोखी दुनिया की झलक फैंस और सिने लवर्स को मिली थी उससे वो बेहद इम्प्रेस हुए थे। सबसे बड़े एक्शन डायरेक्शन प्रशांत नील की देखरेख में बनी सलार पार्ट 1 के टीजर ने एक ऐसा विजुअल एक्सपीरियंस लोगों के सामने पेश किया जो जस्ट परफेक्ट था। प्रशांत नील KGF फ्रेंचाइजी के पीछे मास्टरमाइंड है। सलार पार्ट 1 सीज़ फायर टीजर को और भी शानदार बनाने वाली इसकी सॉलिड शुरुआत 2023 के दूसरे मच अवेटेड फिल्मों की टीजर को मात देने वाली थी। जी हाँ, इसने डंकी, टाइगर 3, गदर 2, जेलर और यहाँ तक कि लियो के टीजर को भी पीछे छोड़ दिया। सलार पार्ट 1 सीज़ फायर ने न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर के दर्शकों को अपनी लार्जर देन लाइफ प्रेजेंस से दीवाना कर दिया। प्रभास ने अपने करिश्मा और स्क्रीन प्रेजेंस के साथ प्रशांत नील की दमदार स्टोरी टेलिंग के साथ मिलकर एक टीजर बनाया जो सिनेमैटिक ग्रैंडनेस का प्रतीक था। जबकि लियो ने 24 घंटों में 24 मिलियन व्यूज हासिल किए, डंकी ड्रॉप 1 ने 24 घंटों में 72 मिलियन व्यूज हासिल किए और गदर 2 के ट्रेलर ने 41 मिलियन व्यूज बटोरे। सलार पार्ट 1 सीज़ फायर टीजर ने केवल 24 घंटों में 83 मिलियन व्यूज रिकॉर्ड किए। टीजर कंटेंट को दर्शकों के पसंद किए जाने और स्वीकार किए जाने का एक बड़ा इशारा है। दूसरे शब्दों में कहें तो सलार पार्ट 1 सीज़ फायर केवल 24 घंटों में 83 मिलियन बार देखा गया, जो इस बात का सबूत है कि इस फिल्म को देखने के लिए सभी कितने एक्साइटेड हैं। होमब्ले फिल्म्स की प्रोडक्शन सलार पार्ट 1 सीज़ फायर का डायरेक्शन प्रशांत नील ने किया है और इसमें प्रभास, श्रुति हसन, पृथ्वीराज सुकुमारन और जगपति बाबू जैसे कलाकार शामिल हैं। यह फिल्म 22 दिसंबर को हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में सिनेमाघरों में आपको देखने को मिलेगी। धन्यवाद, जुड़े रहिए ऐसे बॉलीवुड अपडेट्स के लिए बॉलीवुड की।